लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर जिले की सावेर पुलिस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। इंदौर उज्जैन रोड स्थित धर्मपुरी बाईपास पर पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर एक केस के सिलसिले में घर आई पुलिस जवानों पर तलवार और अन्य हथियार से जानलेवा हमला किया, जिसके बाद पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती है और आरोपी जेल की सलाखों में बंद है। इंदौर से सटे सावेर तहसील के धर्मपुरी में सोमवार दोपहर दो पुलिसकर्मी रितेश और गोविंद एक पुराने केस के मामले में आरोपी रामचंद्र कुमावत के घर गए थे, जहां रामचंद्र ने घर में से तलवार निकालकर पुलिस के सिर पर मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी ने हाथ से तलवार को रोका और वह जख्मी हो गया। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए सावेर के SDOP MS परमार ने बताया कि मामले में 6 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि सावेर नगर परिषद के अध्यक्ष पति दिलीप चौधरी और रामचंद्र के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर रामचंद्र का लड़का लगातार सोशल मीडिया पर अनर्गल कमेंट कर रहा था। जिस केस के सिलसिले में सावेर पुलिस के जवान पंचर बनाने वाले रामचंद्र कुमावत के घर पहुंचे थे, जहां उन पर हमला हुआ। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ये जो धर्मपुरी में सुनील कुमावत करके, सुनील पिता रामचंद्र कुमावत, इन्होंने कुछ समय पहले अभी फेसबुक पे कुछ कमेंट्स उल्टे सीधे डाले थे, जो यहाँ के दिलीप चौधरी नगर परिषद अध्यक्ष उनसे संबंधित थे, उन पर अनर्गली आरोप लगाते हुए फेसबुक पे कुछ कमेंट्स डाले थे कि वो मेरे भाई का हत्यारा है, कुत्ता है, वो यूँ है। इस पर से हमने साइबर सेल से एडवाइज लेकर के उसमें 188 का मामला कायम किया था सुनील पिता रामचंद्र के ख़िलाफ़। अब चूँकि उसको आज जो IO है उनका, वो अपराध का IO है चैन सिंह और गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल, ये उसको नोटिस तामील करने गए थे, उसको आगाह करने गए थे कि भाई आपके खिलाफ मामला कायम है, तो आप अपनी जमानत वहाँ पे कोर्ट में इस तारीख को हम चालान पेश करेंगे, आप जमानत करवा लेना। इस पर से वो पुलिस के ऊपर मतलब एकदम उत्तेजित होकर के गाली गुप्ता करने लगा। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, और भी हमारे कुछ वहाँ पर पुलिसकर्मी थे धर्मपुरी चौकी पर, उनको मालूम पड़ा तो वो भी आ गए थे, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानते हुए पुलिस के साथ में जुआ झटके मारपीट करने लगे। महिलाएं अंदर से पत्थर फेंकने लगी, और ये रामचंद्र पिता चंपालाल ये घर में गया, अंदर दौड़ करके एकदम अचानक ही तलवार निकाल के ले आया और हमारे जो गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल उनके सिर पे एकदम मारा। उन्होंने अपने सिर को एक तरफ करते हुए उन्होंने सीधा अपने दाहिने हाथ से उसको तलवार को पकड़ लिया। ये 6 लोग हैं, उनमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। हमारे एक तो सब इंस्पेक्टर रितेश नागर, वो भी उसमें झुमा झटकी में वो उनको गिरा दिया था, तो घुटने में उनको लगी है। और दूसरा जो गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल 14-09, उनको भी चोट लगी, जो तलवार उन्होंने अपना बचाव किया सिर पे, अगर वो बचाव नहीं करते तो सिर में लगती, जिससे गंभीर काफ़ी उनके लिए गंभीर जान के लिए खतरा बन जाता। उन्होंने तलवार को पकड़ा तो तलवार से उनके दाहिने हाथ की उंगलियों में चोटें हैं, यहाँ पे जो दाहिने पैर की थाई है उसमें चोट है, और यहाँ घुटने में रगड़ की चोट है। इस प्रकार से 2 लोग हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं, उनको चोटें। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।